हेलो स्टूडेंट्स हेयर वी आर विद आवर फिफ्थ चैप्टर ऑफ मैथ्स फ्रॉम क्लास सेकेंड एंड आवर चैप्टर नेम इज़ नंबर फ्रॉम टेन टू ट्वेंटी सो टेक आउट योर बुक मैथ्स मैजिक एंड ओपन पेज नंबर एट्टी सेवन इन योर बुक तो बच्चों अभी हम क्लास फर्स्ट मैथ्स का फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है नंबर्स फ्रॉम टेन टू ट्वेंटी तो आप अपनी अपनी मैथ्स की बुक ओपन करिए एंड ऑल्सो आउट योर रफ फेयर कॉपी एंड पेंसिल ऑल्सो और साथ ही अपनी मैथ्स की फेयर कॉपी और पेंसिल्स भी अपने पास रख लीजिए सो इन अवर प्रीवियस वीडियो वी है डन हेयर तो हम यहाँ तक उसे कंप्लीट कर चुके थे यहाँ तक हमने सब्ट्रैक्शन जो थे बुक वर्क ये हमें कर हम कर चुके हैं नाउ अब हमारी जो है वर्ड प्रॉब्लम है इसे हम कॉपी में करेंगे जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में अपने एडिशन जो हमने कॉपी में जिस तरह से वर्ड प्रॉब्लम की थी उसी तरह से अब हम सब्ट्रैक्शन की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो अपनी कॉपी में करेंगे ठीक है दोस्तों और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एस ओ एच ए एन एपस्टोफी एस सोहन सोहंस मीन सोहन का एम ओ टी एच ई आर मदर मदर माँ बी आर ओ यू बी आर ओ यू जी एस टी ब्रॉड ब्रॉड मिस खरीदना नाइन नाइन नो बी ए एन ए एस बनानास बनानास मिस केले एफ आर ओ एम फ्रॉम फ्रॉम मिस से टी एच ई द मिस द एम ए आर के टी मार्केट मार्केट मिस बाजार सोहनस मदर ब्रॉड नाइन बनानास फ्रॉम द मार्केट सोहन की माँ ने बाजार से नौ केले खरीदे एस एच ई शीशी मिस वहा जी ए बी केव केव मिस सेना फोर फोर मिस चार बी एन एन एस बनानास बनाना मिस केले टी ओ टू टू मिस को एस ओ एच एन सोहन सी के फोर बनानास टू सोहन उसने चार बनान उसने चार खेले सोहन को दिए एच ओ डब्ल्यू हाउ एम ए एन वाई मैनी हाउ मैनी हाउ मैनी मिस कितना बी ए एन एन एस बनानास बनानास मिस केले डब्ल्यू एस वॉज वॉज मिस था एस एच ई शीशी मिस वाह एल ई एफ टी लेफ्ट लेफ्ट मिस शेष डब्ल्यू आई टी एच विद विद मिस साथ हाउ मैनी बनानास वॉज सी लेफ्ट विद अब उनके पास कितने बन केले शेष रह गए तो हाउ मैंने बनानाज बताना सी लेफ़्ट विथ उनके पास कितने केले शेष रह गए ठीक है तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमें जानना होता है लेफ़्ट यानी शेष कितना बचा तो हम उसके लिए करते हैं माइनस सप्ट्रैक्शन ठीक है तो इसमें ही आपसे ये पूछा है कि सोहन की माँ ने बाज़ार से नौ केले खरीदे और उन्होंने चार सोहन को दे दिए आप उनके पास कितने केले बचे तो आप क्या कर दोगे नाइन माइनस फोर कर दोगे ठीक है तो नाइन के बनाना तो नाइन फिंगर खड़ी करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अब हम उन्होंने सोहन को कितने दे दिए फोर तो वन टू थ्री फोर यानी फोर दे दिए अब उनके पास कितने बचे तो वन टू थ्री फोर फाइव तो हम क्या कर देंगे फाइव हमारा आंसर आ गया तो हम क्या करेंगे लेफ्ट जानने के लिए जैसे आपके पास फोर टॉफिस थी आपने टू खा ली अब आपके पास कितनी बची ठीक है यू हैव टू अर्ट ऑफिस यू है एट टू फ्रॉम दैम हाउ मेनी लेफ्ट तो आपके पास कितनी बची तो so, आप क्या कर दोगे पोर माइनस टू यानी फोर्ट ऑफिस थी टू आपने खा ली तो so, आपके पास कितनी बची वन टू आपने क्या कर दिया माइनस तो so, इसमें भी हम क्या करेंगे माइनस सो टेकआउट योर फेयर कॉपी इन स्टार्ट राइटिंग ओके तो ये हमारा चैप्टर फाइव है तो so, पहले हम लिखेंगे चैप्टर फिफ्थ सी एच ए पी टी आ चैप्टर फाइव और हमारा चैप्टर नेम जो है उसको लिखिए नंबर्स एन यू एम बी ई आर एस नंबर्स फ्रॉम एफ आर ओ एम फॉम टेन टी ई एन टेन टू टी ओ टू ट्वेंटी टी डब्ल्यू ई एन टी वाई ट्वेंटी ठीक है ये हमारा चैप्टर नेम है चैप्टर फाइव नंबर्स फ्रॉम ट्वेंटी टेन टू ट्वेंटी और इसमें जो हम पार्ट पढ़े हैं वो अभी पढ़े सब ट्रैक्शन का ठीक है तो एस यू वी टी आर ए सी टी आई यू एन तो देखो क्वेश्चन जो है हमारा उसको हम पूरा नहीं उतारेंगे डॉट डॉट करके जिस तरह से आपने पहले किया था तो उसी तरह से कर लेंगे तो क्वेश्चन हम वो हमने डाला सोहंस मदर एस ओ एच ए एन एपस्ट्राफी एस सोहंस मदर एम ओ पी एच ईर मदर डैश हमने यहाँ पर लिख दिया शी लेफ्ट विथ अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम अपना आंसर यहाँ पर लिखेंगे तो आंसर पहले क्या था हमारा कि आंसर क्या लिखेंगे कि पहले हम वर्ड प्रॉब्लम को उस तरह से कर लेंगे ठीक है तो, तो सोहन की मदर ने कितने बनानास खरीदे मार्केट से नाइन तो हम लिखेंगे सोहनस एस ओ एच एन एफ ऑफी एस सोहनस मदर एम ओ टी एच ई आर मदर ब्रॉड पी आर ओ यू जी एच टी बनानाज बी एन ए एन ए एस बनानाज कितने बनानाज उन्होंने खरीदे थे नाइन ओके ना ओ सी गेव टू सोहन और उन्होंने सोहन को कितने दे दिए तो सी एस एच ई शी जी वी केव टू सोहन एस ओ एच एन तो उन्होंने सोहन को कितने दे दिए सी केफ टू सोहन कितने बनानाज उन्होंने सोहन को दे दिए थे फोर ठीक है अब है आप अब आपसे पूछा हूँ मनी बनाना वॉज सी लेफ्ट विथ अब उनके पास कितने बनानाज रह गए तो बनाना सी वॉज लेफ्ट विथ बनान वॉज लेफ्ट विथ बनान वॉज she left with तो कितने बनानाज अब उनके पास रह गए तो बनानाज वो सी लेफ्ट with तो हम क्या कर देंगे नाइन माइनस फोर कर देंगे ठीक है तो नाइन मैंने आपको भी बताया था कि नाइन बनानाज थे उनके पास फोर वन में से कर दीजिए दे दिए तो हम इनको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो नाइन में से फोर माइनस कर दीजिए नाइन फिंगर ये रही इसमें से फोर बन करते जो अब आपके पास कितनी बची? वन टू थ्री फोर फाइव तो हमारा आंसर क्या निकला फाइव तो हमारा आंसर क्या निकला फाइव बनानास आंसर ठीक है तो हमारा आंसर लिख दिया फाइव बनानास आंसर ठीक है तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन अब है सेकेंड क्वेश्चन हमारा आर ए एच आई एम रहीम एच एड हैड था, एट एट मिस आठ एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस फ्लावर्स फ्लावर्स मीस फूल रहीम हैड एट फ्लावर्स रहीम के पास आठ फूल थे एच ई ही ही मिस वह पी यू टी पुट पुट मिस रखना टी एच आर ई थ्री थ्री मिस तीन एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस फ्लावर्स फ्लावर्स मीस फूल आई एन एन इन मिस में आ मीन्स एक वी ए एस ई वॉस ही पुट थ्री फ्लावर्स इन अवॉस उसने एक फूल दान में बॉस मींस फ्लावर पॉट जो होता है फूल दान तो उसने एक फूल दान में ही पुट थ्री फ्लावर्स इन अवॉस उसने एक फूल दान में तीन फूल रख दिए एच ओ डब्ल्यू हाउ एम एन वाई मैनी हाओ मैनी मिस कितना एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस फ्लावर्स फ्लावर्स मिस फूल डब्ल्यू एस वॉस वॉस मिस था एच ही ही मिस वहा एल ले ही एफ टी लेफ्ट लेफ्ट मि सेस डब्ल्यू आई टी एच विद विद मिस सात हाउ मैनी फ्लावर्स वॉज सी लेफ्ट विद अब उसके पास कितने बनाना कितने फूल रह गए तो हाउ मैनी फ्लावर्स वॉज ही लेफ्ट विद अब उसके पास कितने फूल सेस रह गए तो देखो अब रहीम के पास कितने फ्लावर्स थे यानी एट फ्लावर्स थे रहीम के पास एट फ्लावर्स थे और इसने तीन फ्लावर्स उसमें से एक फूल में डाल दिए ठीक है अब उसके पास कितने फ्लावर्स बचे रह गए अब आपसे पूछा है तो इसमें भी आप क्या करोगे एट माइनस थ्री कर दोगे यानी एट फ्लावर्स उसके पास थे तो एट फिंगर आपने खड़ी कर दी देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसमें से थ्री फ्लावर्स उसने बॉस में डाल दिए तो वन टू थ्री अब उसके पास कितने बचे रह गए वन वन टू थ्री फोर तो फाइव उसके पास कितने बचे रह गए फाइव फ्लावर्स ठीक है तो हम इसको भी ऐसे ही करेंगे पहले हम अब क्वेश्चन नंबर टू हम डालेंगे तो हमने लिखा यहाँ पर क्वेश्चन टू तो हम इसको ऐसे ही टेस्ट टेस्ट करके लिखेंगे आर एच आई एम रहीम हैड एच ए डी हैड देस, देस, देस। इस तरह से हमने किया he left with तो उसके पास तो एट फ्लावर्स थे उसने तीन तीन फ्लावर पॉट में डाल दिए अब उसके पास कितने बचे तो आप तो ये आपसे पूछा है तो आप आंसर लिखेंगे आप तो पहले आप लिखेंगे रोहन रहीम हैड रहीम हैंड फावर्स तो रहीम के पास कितने फ्लावर्स थे एट फ्लावर्स थे ठीक है तो उसके पास कितने फ़्लावर्स थे एट फ्लावर्स थे एंड ही पुट फ्लावर्स इन वॉस तो उसने वॉस में कितने रख दिए थे he put flowers in a आस तो उसने एक वास में कितने रख दिए थ्री ठीक है तो थ्री फ्लावर्स उसने वास में रख दिए नाउ अब आपसे पूछा हाउ मेनी फ्लावर्स वॉज ही लेफ्ट विथ तो आप लिखोगे फ्लावर्स ही लेफ्ट विथ Flowers was he left with तो उनके पास कितने फ्लावर्स रह गए तो आप क्या कर दोगे एट माइनस थ्री तो एट माइनस थ्री कितने फ्लावर्स रह गए अब तो एट में से आप माइनस कर दीजिए तो एट यानी एट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसमें से थ्री माइनस कर दीजिए थ्री उसने तो थ्री फिंगर्स बंद कर दीजिए अब कितने बचे वन टू थ्री फोर फाइव तो हाउ मेनी फ्लावर्स लेफ्ट फाइव तो हमारा आंसर निकला फाइव फ्लावर्स आंसर ठीक है तो हमारा आंसर क्या निकल गया फाइव फ्लावर्स तो इसी तरह से आप इनको जैसे इसमें किया है सबसे पहले आप चैप्टर नेम डालिए चैप्टर फाइव नंबर्स फ्रॉम ट्वेंट टू ट्वेंटी तो सब्ट्रैक्शन पार्ट है इसका तो इस तरह से ही क्वेश्चन था तो देखो सोहन की ने नाइन के लिए खरीदे थे और चार उन्होंने सोहन को दे दिया अब उनके पास कितना बचा तो आपने कर दिया नाइन माइनस फोर तो आप उसके बाद आंसर आ गया आपका फाइव तो फाइव बनानास उनका आंसर आ गया कि अब उनके पास कितने बनानास बचे फाइव तो सेकेंड इस तरह से फिर था कि रहीम के पास आठ एट फ्लावर्स थे और उसने थ्री एक फ्लावर पॉट में डाल दिए अब उसके पास कितने बचे तो आपने एट माइनस थ्री कर दिया हमारा आंसर आया फाइव फ्लावर्स ठीक है तो इस तरह से आप इसे अपनी फेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करेंगे ओके नाउ कम टू द बुक तो ये हमारा ये था ये हमने उस फेयर कॉपी में कर लिया नाव टर्न द पेज अब है हमारा एडिशन प्रैक्टिस ठीक है टर्न करिए पेज को बुक में पेज नंबर एटी एट निकालिए और अब हमारा है एडिशन प्रैक्टिस तो एडिशन प्रैक्टिस ये है हम इसको करेंगे ठीक है ये बुक में ही हमने करना है तो इसे हम बुक में फिल करेंगे तो सबसे पहले थ्री प्लस सेवन या आप सेवन प्लस थ्री भी कर सकते हैं आपके पास थ्री टॉफीज़ थी और आपके पास सेवन और आ गई तो आपके पास कितनी भी तो थ्री तो आपके पास थी थ्री को माइंड में रखिए और सेवन फिंगर खड़ी करिए और थ्री के बाद आफ्टर थ्री काउंट करना स्टार्ट कीजिए तो थ्री के बाद हमारा क्या आता है तो सेवन फिंगर आपने खड़ी करी देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब आपके पास थ्री के थ्री सेवन और आ गई तो थ्री के बाद काउंट करना स्टार्ट कीजिए फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो आपके पास कितनी टॉपी कितनी पेंसिल्स हो गई आप टेन ठीक है इसी तरह से फाइव प्लस एट अब देखिए अब आप आपके पास फाइव पेंसिल्स थी और एट और आ गई तो आप फाइव को अपने माइंड में रखिए और एट फिंगर खड़ी करिए एट फिंगर आपने खड़ी कर दी देखिए और आफ्टर फाइव काउंट करना स्टार्ट करिए तो आफ्टर फाइव क्या आता है हमारा सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर थर्टीन नाउ फिर आपका सिक्स प्लस एट फिर आप इसको ऐसे करेंगे देखो सिक्स का आपका सिक्स ऑफिस थी आपके पास एट और आ गई तो आपके पास ऑलरेडी कितनी थी सिक्स थी और आपके पास कितनी आ गई एट तो आप कितनी फिंगर खड़ी करेंगे गिन के आप एट फिंगर खड़ी करिए देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसमें से अब आप क्या करेंगे सिक्स तो आपके पास थी अब आप सिक्स के आगे काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो सिक्स के बाद हमारा क्या होता है सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन सो राइट हियर फोर्टीन इसी तरह से अब नाइन प्लस नाइन भी आप करेंगे तो नाइन ऑफिस तो थी आपके पास उसके बाद नाइन और आ गई ठीक है तो अब आप कितनी फिंगर खड़ी करेंगे नाइन फिंगर खड़ी करिए पहले देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इसके बाद आप नाइन के बाद काउंट करना स्टार्ट करिए तो नाइन के बाद हमारा क्या आता है टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन सो विल राइट हीयर एटीन ठीक है नाउ कम टू द नेक्स्ट अब है आपका सेवन प्लस सिक्स यानी आपके पास कितनी टॉफिस थी सेवन और आपके पास फिर से कितनी आ गई सिक्स तो आप क्या करेंगे सेवन तो आपके पास थी तो आप कितनी फिंगर खड़ी करेंगे सिक्स तो सिक्स फिंगर खड़ी करिए काउंट करिए देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब सेवन के बाद काउंट करना है। स्टार्ट कीजिए तो सेवन के बाद क्या आता है हमारा एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन सो राइट यार थर्टीन अभी आप आपके पास नाइन ठीक है नाइन्ट ऑफिस आपके पास थी अगर आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसको मैंने जैसे आपको बताया था कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं देखो नाइन्ट ऑफिस थी आपके पास टू और आ गई तो नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टू और आ गई वन टू अब टोटल कितनी होगी काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ट इलेवन ठीक है तो अब आपने यहाँ पर क्या लिख दिया इलेवन अब है एट प्लस सेवन तो पहले आप कितनी फिंगर खड़ी करेंगे आपके पास कितनी टॉफीज़ हैं ऑलरेडी एट हैं सेवन आपके पास आ गई हैं तो आप कितनी फिंगर खड़ी करेंगे सेवन तो सेवन फिंगर खड़ी करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट के बाद काउंट करना स्टार्ट कीजिए नाइन टेन इलेवेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सो राइट हियर फिफ्टीन नाउ फोर प्लस एट अब आपके पास कितनी टॉफिस थी फोर और आपके पास फिर कितनी टॉफिस आ गई एट तो आप कितनी फिंगर खड़ी करेंगे एट फिंगर आप खड़ी करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब इसमें से आप काउंट करिए फोर के बाद काउंट करना स्टार्ट कीजिए फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व सो राइट इट ही ठीक है तो ये हमारा एडिशन था अब इस हिसाब से आपको नीचे सब्ट्रैक्शन एक साथ ही है तो सब्ट्रैक्शन प्रैक्टिस नाउ, एस यू बी टी आर ए सी टी आई ओ एन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना माइनस पी आर ए सी टी आई सी प्रैक्टिस सब्ट्रैक्शन प्रैक्टिस नाउ, थर्टीन माइनस सेवन अब देखिए मैंने आपको कैसे बताया था कि कल भी मैंने आपको एक अलग मेथड से बताया था तो कि आपके पास थर्टीन है ठीक है तो और सेवन टॉफीज़ आपने खा ली हैं उसमें से थर्टीन टॉफीज़ थी आपके पास सेवन आपने खा ली तो आप क्या करेंगे सेवन के बाद काउंट करना स्टार्ट करेंगे कहाँ तक थर्टीन तक तो सेवन के बाद क्या आता है हमारा एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन अब यहाँ से फिर आप काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो आपके पास कितनी टॉपिस बची सिक्स इसी तरह से अब हमारा फिफ्टीन माइनस थ्री यानी आपके पास कितनी टॉपिस थी फिफ्टीन और उसमें से आपने कितनी खा ली थ्री तो आप क्या आप करेंगे थ्री के बाद काउंट करना स्टार्ट करेंगे कहाँ तक फिफ्टीन तक तो थ्री के बाद क्या आता हमारा फोर फाइव सिक्स सेवन एट ट इलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन अब इसे आप काउंट करिए कितना हुआ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व सो विल राइट हियर टेल्व और आप इसे भी ऐसे भी कर सकते हैं देखो फिफ्टीन माइनस आपका थ्री है तो आपने फाइव माइनस थ्री कर दिया देखो पहले वनस और फिर टेंस तो फाइव वन फाइव में आपका वंस में क्या है आपका फाइव माइनस थ्री तो फाइव में से आपने फाइव फिंगर कट करी थ्री उसमें से ट्रॉफी बंद खा ली तो थ्री बंद कर दी अब आपके पास क्या बचा टू तो इधर टू लिख दिया और टेंस का हमारा ऐसे ही उतर गया ट्वेल्व ठीक है तो हमने लिखा है यहाँ पर ट्वेल्व ना नाइन नाइन्टीन माइनस सिक्स आप उसको वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया अभी आपको देखो नाइन्टीन माइनस सिक्स आपने किया नाइनटीन माइनस सिक्स अब आपके पास कितनी टॉपीज थी ये वंस है हमारा और ये टेंस है ठीक है तो आपके पास कितनी टॉपीज थी नाइन उसमें से आपने कितनी खा ली सिक्स तो नाइन फिंगर खड़ी करिए पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अब इसमें से आपने कितनी खा ली सिक्स तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो अब आपके पास कितना बचा वन टू थ्री तो आपने लिखा है यहाँ पर थ्री और वंस का टेंस का हमारा ये उतर गया ऐसे तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर थर्टीन और अगर को वैसे भी करोगे जैसे मैंने आपको फिंगर में बता कि आप नाइनटीन तो आपके पास थी आपने उसमें से सिक्स खा ली तो आप क्या करेंगे सिक्स के बाद काउंट करना स्टार्ट करेंगे सिक्स के बाद से तो सिक्स के बाद हमारा क्या आता है सेवन आता है ना तो सेवन के सेवन से काउंट करना स्टार्ट करेंगे आप नाइन्टीन तक तो सेवन काउंट करिए सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ठीक है नाइन्टीन ही रहा तो अब अब यहाँ से आप काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन आए ना उसका आंसर थर्टीन वैसे भी थर्टीन और वैसे भी थर्टीन अब आपका सेवेंटीन माइनस फोर आप ऐसे भी कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टेन वन ये हो गए आपके और सेवन वंस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और सेवन क्या हो गए हमारे वंस हो गए अब इस वंस में से आप फोर माइनस कर दीजिए वन टू थ्री फोर अब आपके पास कितने बचे गए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो हमारे पास कितना बचा थर्टीन ठीक है इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं नेक्स्ट है आपका सिक्सटीन माइनस सिक्स तो मैंने आपको दो तीन मैथड बता दिए हैं तो सिक्सटीन माइनस सिक्स तो सिक्स में से सिक्स माइनस हो गया ये हमारा वन हो गया ये टेंस हो गया तो सिक्स में से सिक्स माइनस हुआ तो सिक्स टॉफिस थी आपके पास आपने सिक्स खाली तो क्या बचा आपका जीरो और वन का वन हमारा से निकलेगा तो सिक्सटीन माइनस सिक्स आप करोगे तो आपका आएगा टेन तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो सिक्सटीन टॉफिस थी आपके पास सिक्स खाली तो सिक्स के बाद क्या आता है आपका सेवन तो सेवन से आप काउंट तक काउंट करना स्टार्ट करेंगे सिक्सटीन तक तो सेवन सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन अब काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो आपने क्या लिखते हैं यहाँ पर टेन नेक्स्ट है आपका ट्वेल्थ माइनस जीरो तो ट्वेल्व टॉफिस तो थी आपने ना खाई ना कुछ दी किसी को तो आपके पास ट्वेल्व ही रहेंगी ठीक है अब है फोर्टीन माइनस थ्री तो फोर्टीन माइनस थ्री ऐसे भी कर सकते हैं आपको देखो फोर्टीन माइनस थ्री तो ये आपका वंस है और ये टेंस है तो फोर में से थ्री माइनस करिए पहले तो फोर में से थ्री तो ये वन टू थ्री फोर है ना तो इसमें से आपने थ्री टॉफिस खा ली तो कितना बचा हमारा वन तो हमने वन यहाँ पर लिख लिया और ये वंस का हमारा ऐसे ही उतर जाएगा ये इसके माइनस करने के लिए कुछ नहीं है ना तो ऐसे ही उतर जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ गया इलेवन और इसको आप अगर वैसे भी करेंगे तो भी इसका आंसर यही है जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि फ़ोर्टीन ऑफिस तो हैं आपके पास आपने थ्री खा ली है। तो थ्री के बाद काउंट करना स्टार्ट कीजिए फोर्टीन तक तो थ्री के बाद हमारा क्या आता है फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन अब काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो हमने क्या लिखती है यहाँ पर इलेवन ना एटीन माइनस सेवन तो फिर आप एटीन लिखिए यहाँ पर माइनस सेवन अब आपके पास एट ऑफिस है ये हमारा वंस है ये टेंस है ठीक है ये हमारे एट ऑफिस थी आपने सेवन उसमें से खा ली है. तो एट में से यानी एट फिंगर खड़ी करके पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसमें से आपने सेवन टॉफिस खा ली तो काउंट करके सेवन बंद कर दीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो आपके पास कितनी बची है ओनली तो वन और हमारा ये वन ऐसे ही उतर जाएगा तो हमारा आंसर क्या आया इलेवन तो ये है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो इसी तरह से अब आप, आप इसको अपनी बुक में फिल करिए और जो मैंने ये आपको कॉपी वर्क कर रहा था उसे भी करिए ठीक है।, है तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थैंक यू एंड हैव नाइस डे